बसपा ने 2024 के लिए रणनीति बदली है। मायावती की रणनीति अब चार दशक पुराने कांशीराम मॉडल मिशन ग्राउंड पर पार्टी को ले जाने की है। लोकजन समाज पार्टी ने कांशीराम मॉडल को अपना करके लोकसभा के चुनाव में जाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकारों ने मायावती को ग्राउंड पर उतारने के लिए मिशन ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है। योजना के मुताबिक मायावती अगस्त के बाद शुरू होने वाले बसपा के कैडर कैंप में अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मुखातिब होंगी बल्कि उनको आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए नए दिशा निर्देश भी देंगी। और लंबे वक्त से बसपा में मांग उठती रही है कि मायावती अगर जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं से सीधे मुखातिब हो तो संभव है कि पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा और पार्टी की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। और इसीलिए अब देखिए ग्राउंड पर जाने वाली है मायावती। 2024 के लिए कांशीराम मॉडल लागू करने पर विचार। 2024 के लिए बसपा चलाएगी मिशन ग्राउंड और मिशन ग्राउंड में मायावती जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधे मुलाकात करेंगी। अब आइए आपको बताएं क्या था कांशीराम मॉडल। जानिए आप बसपा का कांशीराम मॉडल मायावती आगे बढ़ाने वाली हैं। कांशीराम ने अपने आंदोलन के दौरान घर घर दस्तक दी थी और कांशीराम के आंदोलन की वजह से बसपा का जनाधार तैयार हुआ था और कांशीराम ने बूथ स्तर से लेकर कमेटियों का ढांचा मजबूत किया था। इस पर लगातार काम किया गया और साथ ही देखिए कांशीराम बसपा में अपने कैडर के लोगों को करीब रखते थे, उनसे लगातार मिलते थे, उनके संपर्क में रहते थे और कांशीराम संगठन मजबूत करने के लिए सीधे संवाद किया करते थे। इसका फायदा भी बीएसपी को मिला। कांशीराम के फॉर्मूले की वजह से पिछड़े दलित और मुस्लिम साथ आए थे, ये फॉर्मूला तैयार हुआ था। बसपा के जनाधार की वजह से मायावती चार बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी और कांशीराम ने बसपा की स्थापना के वक्त कई नारे दिए थे। वो नारे एक बार फिर से हो सकता है आपको आने वाले वक्त में सुनाई दे। कांशीराम के दिए नारों के साथ फिर वोटरों को जोड़ने की कवायद करती हुई मायावती दिखाई देने वाली है आने वाले वक्त में। लगातार ये मांग उठती भी रही कि मायावती को ग्राउंड पर उतरने की आवश्यकता है, अपने जो कार्यकर्ता है उनसे मिलने की आवश्यकता है। अब उसी पर देखिए फोकस है, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे मायावती, ये बात सामने आ रही है। वो जाकर के उनसे संवाद भी करेंगी और सीधे उनसे मुखातिब होंगी। 2024 में यूपी की 80 सीटें जीतने के लिए बसपा की रणनीति। बसपा का 2024 के लिए गांव चलो अभियान पर जोर है। गांव गांव जाकर कैडर, वोटर, नए वोटर और महिला वोटरों पर फोकस बसपा का रहने वाला है। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए मुस्लिम वोटरों पर भी फोकस है बसपा का। गांवों में नए लोगों को पार्टी से जोड़कर जनाधार बढ़ाने पर जोर है। गांव चलो अभियान में टीम के प्रदर्शन के बाद मेहनती आगे बढ़ाए जाएंगे। बसपा के जिला अध्यक्षों के कामों का भी आकलन किया जाएगा। सभी जिला अध्यक्षों को गांव चलो अभियान में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किन किन वोटर्स पर बसपा का फोकस है। गांव गांव जाकर के अपने जनाधार को मजबूत किया जाएगा। महिला वोटर्स हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, उन तक पहुंच बढ़ाई जाएगी और उनको खुद से जोड़ा जाएगा।